नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के शिक्षकों को लेकर आए दिन शिक्षा विभाग द्वारा नए नए फरमान जारी किए जाते हैं। अब ऐसे में जब भी बिहार में शिक्षकों की नाम होती है या शिक्षा विभाग की नाम होती है तो लोगों के भीतर यही सवाल उठता है कि अब नया फरमान क्या होगा या नया निर्देश क्या होगा। तो देखिए, बिहार में शिक्षकों को अब बच्चों को पढ़ाने के अलावे नया जिम्मा सौंपा गया है और इसे लेकर के बिहार के 5 शिक्षकों को बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। तो आखिरकार वो 5 शिक्षक हैं कौन जिन्हें बिहार सरकार द्वारा सिलेक्ट किया गया है और ये शिक्षकों को कौन सी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, आखिरकार इनका काम होगा क्या, ये हम आपको बता दें। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ एक के बाद एक नया फरमान जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार अब शिक्षक स्थानीय छात्र छात्राओं की जरूरत के अनुसार पठन पाठन के लिए वीडियो कंटेंट तैयार करेंगे, जिसके बाद इस वीडियो का प्रसारण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इसके लिए 5 शिक्षकों का चयन किया गया है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के 5 शिक्षकों का चयन किया गया है। इसकी जानकारी डाइट रामबाग की ओर से सभी चयनित शिक्षकों स्कूलों के एचएम को भी दी गई है। 5 शिक्षकों में मुरौल प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय धर्मागतपुर की शिक्षिका अंजलि कुमारी, मुरौल प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बखरी के शिक्षक केशव कुमार, मोतीपुर प्रखंड के उमवी थतिया के शिक्षक पप्पू कुमार पंकज, बंदरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर के शिक्षक नवीन कुमार और मोतीपुर के उमवी बरियारपुर के शिक्षिका निवेदिता रानी का चयन किया गया है। इस बारे में शिक्षकों ने बताया है कि जिले के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए अक्षर ज्ञान, मात्रा की पहचान व शब्द निर्माण पर वीडियो बनाया जाएगा। इसे वीडियो फॉर्मेट में तैयार करते हुए दीक्षा ऐप पर अपलोड किया जाएगा, जिसका लाभ 5वीं तक के छात्र छात्राओं को मिलेगा। शिक्षकों ने बताया है कि डाइट में वीडियो तैयार किया जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, इसमें गतिविधि से लेकर अवधारण तक को शामिल किया जाएगा। इसके लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बिहार विश्वविद्यालय में कॉलेजों में विभिन्न पीजी विभागों में प्रतियुक्त किए गए शिक्षकों का स्थायी भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए, बिहार में शिक्षकों को लेकर के नया फरमान जारी कर दिया गया है। बिहार के 5 शिक्षकों को सिलेक्ट किया गया है जो कि अब ऑनलाइन तरीके से भी कंटेंट तैयार करेंगे और उसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहेंगे।